हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर एट इंडस्ट्री एंड ट्रेड तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू गैदर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इस चैप्टर में हम ये पढ़ने पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद का जो पीरियड था उस समय हमारे कंट्री का इंडस्ट्री और ट्रेड कैसा था और हमने किस तरीके से प्रोग्रेस किया इस फील्ड पे आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी एट विद द पर्पज ऑफ मेकिंग एवेलेबल लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स सिमिलरली द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1954 हंड्रेड फिफ्टी फोर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ़ द इंडस्ट्रियल सेक्टर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था उसके बाद 1948 पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया इस पर्पस से बनाया गया ताकि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं मतलब जो भी पर्सन हमारी कंट्री में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है ऑब्वियसली इंडस्ट्री सेटअप करना कोई आ, इजी टास्क नहीं होता बहुत मोनिट्री टर्म्स पे देखें तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और इसीलिए हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट किया गया था वो लोग लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने लगे इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को उन लोगों को जो इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बनाया गया 1954 में और इससे इसे बनाने का पर्पस था कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उससे धीरे धीरे डेवलप किया जा सके सम इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया अब हम देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एक्चुअली है हमारे इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम फोटीन परसेंट ऑफ़ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी कंट्री में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़ों की इंडस्ट्री वो लगभग हमारे देखिए हम टोटल जो प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में बाय इंडस्ट्रीज उसमें से चौदह परसेंट का जो प्रोडक्शन होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है इट इंक्लूड्स द पावर लूम एंड हैंड लूम इंडस्ट्रीज़ द हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव अकॉर्डिंग टू द टेक्सटाइल कमिटी एक्ट 1963 सिक्सटी थ्री अ टेक्सटाइल कमिटी हैज़ बीन स्टैबलिश्ड दिस कमेटी सेट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्सटाइल मैनुफेक्चर फॉर सेल इन द इंटरनल मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट्स अब हम जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर लूम इंडस्ट्री भी आती है और हैंडलूम इंडस्ट्री भी आती है मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मशीन के हेल्प से कपड़े बनाती है वो भी आती है और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हाथ से कपड़े बनाती है होते हैं ऐसे लोकल है, इंडस्ट्रीज होती हैं ऐसी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ जिसे हमारी कंट्री प्रमोट एए। भी बहुत ज़्यादा करती है वो हाथ से कपड़ा बनाते हैं हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है इसलिए लेबर इंटेंसिव होती है क्योंकि हैंडलूम इंडस्ट्री में क्या होता है कि हाथ का यूज़ होता है मतलब नॉट वी कैन से दैट कम्प्लीटली हाथ का यूज़ होता है कुछ दूसरे सामान ऑब्वियसली कुछ आ, दूसरे इक्विपमेंट्स रहते हैं उनकी हेल्प से बनाया जाता है पर जो हैंडलूम इंडस्ट्री होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है इसका मतलब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है लोगों से ही वो इंडस्ट्री चलती है और जो पावरलूम इंडस्ट्री होती है वहाँ क्या होता है एक मशीन खरीद ली उस मशीन ने कम से कम आ, हम कह सकते हैं दस लोग बीस लोग जो काम करते वो मशीन अकेले कर रहे कर रही है तो वो हैंडलूम जैसे लेबर इंटेंसिव होती है पावर लूम लेबर इंटेंसिव नहीं होती नेक्स्ट टेक्सटाइल कमिटी एक्ट 1963 आ, के हिसाब से हमारी कंट्री में टेक्सटाइल कमिटी स्टैब्लिश की गई अब ये ये जो टेक्सटाइल कमेटी है इसका काम क्या है इसका काम ये है कि हमारी कंट्री में बेचने के लिए जो भी टेक्सटाइल बन रहा है उसकी क्वालिटी चेक करना उसका स्टैंडर्ड चेक करना ये चेक करना कि आ, मतलब एक होता है ना कि कि ये ये लोगों को कुछ भी बेच रहे हैं तो उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रबिश थिंग्स बेचे जा रहे हैं ज़्यादा रेट पे या ऐसी चीज़ें बेची जा रही है जो जो बिल्कुल वेस्ट है जो कुछ काम की नहीं है तो ये सारी चीज़ें चेक करना कि जो भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनका क्वालिटी कैसा उनका स्टैंडर्ड कैसा ये सारा काम दिया गया है टेक्सटाइल कमिटी को और आ, ये सारे जो चीज़ें हैं वो इंटरनल मार्केट में जो सेल होते हैं उन्हें भी चेक करते हैं एंड एक्सपोर्ट जो होते हैं बाहर उन्हें भी टेक्सटाइल कमिटी चेक करती है Now coming to second industry, silk industry. This industry functions under the ministry of textiles. The research about the species of the silkworm and mulberry trees is done in the Seribiotic Research Laboratory at Bangalore. This industry is primarily in the states of Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal and Jammu and Kashmir. Now it is being spread in states with predominantly tribal population. तो जो सिल्क इंडस्ट्री है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर ही काम करती है एक्चुअली सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी बेंगलुरु में बनाई गई है जिसका काम ये रिसर्च करना होता है कि सिल्क इंडस्ट्री में जो सिल्क वॉम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हैं क्या हैं एवरी उनके बारे में एंड जो मलबेरी ट्रीज़ यूज़ होती है उन पर भी रिसर्च करना नेक्स्ट ये जो इंडस्ट्री है सिल्क इंडस्ट्री ये हमारे स्टेट में कहाँ कहाँ पर है कर्नाटका पे है आंध्र प्रदेश पे वेस्ट बंगाल पे एंड जम्मू एंड कश्मीर पे और साथ ही साथ ये आज के समय में उन जगहों में भी फैली हुई है जहाँ पे मैक्सिमम ट्राइबल लोग रहते हैं तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है कहीं ना कहीं सिल्क इंडस्ट्री के कारण नाउ कमिंग टू जूट इंडस्ट्री इंडिया इज़ द टॉप रैंकिंग इन जूट पॉपुलेशन इंडिया इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स वी गेट क्लॉथ सैक क्लॉथ्स एंड रोब्स फ्रॉम जूट हमारी कंट्री जूट प्रोडक्शन में टॉप रैंकिंग कंट्री है मतलब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होता है हम मेजर एक्सपोर्टर हैं ऑफ़ जूट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को जूट के प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं जैसे जूट के क्लॉथ हो गए Stack होता है बोरा बोरे के क्लॉथ हो गए रस्सी हो गई ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं मेगा क्लस्टर इज़ अ स्कीम दैट हेल्प्स वीवर्स थ्रू सेल्फ फाइनेंस ग्रुप्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एन हेल्प इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल डिजाइन बैंक डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेलफेयर ऑफ द वीवर्स मेगा क्लस्टर जो है ये एक स्कीम है जो वीवर्स को हेल्प करती है कैसे हेल्प करती है सेल्फ फाइनेंस ग्रुप्स के थ्रू एन के थ्रू अब ये सेल्फ़ फ़ाइनेंस ग्रुप्स और ये एन जी वीवर्स को क्या मदद करते हैं ये वीवर्स को उनके प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल पहुँचाते हैं डिज़ाइन बैंक्स पहुँचाते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज पहुँचाते हैं और उनके वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं नाउ कमिंग टू हैंड स्कल्पटिंग This is a labour intensive craft. Sculptors got employment due to the capacity of the craft to absorb more craftsmen, small investment, more profit, preference to exports and possibility of earning more foreign exchange. Several cities have market mechanism like Delhi Hut which enables the craftsmen from rural and urban areas to get a market for their wares. हैंड स्कल्पटिंग इंडस्ट्री है ये भी लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट होता है यहाँ पे मशीन्स का कोई यूज़ नहीं होता यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यूज़ होता है लोग अपने हाथों से अलग अलग क्राफ्ट बनाते हैं यहाँ जो स्कल्प्टर्स होते हैं इन्हें इस चीज़ पे नौकरी मिलती है कि उनमें क्राफ्ट बनाने की क्या कैपेबिलिटी है मतलब एक्चुअली uh, जो हैंड स्कल्पिंग इंडस्ट्री होती है यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो स्कल्प्टर हैं उनकी एबिलिटी कैसी है वो कैसा क्राफ्ट बना सकते हैं कितना अच्छा बना सकते हैं ये सारी चीज़ें देखा जाता है नेक्स्ट uh, यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो इंडस्ट्री है वो कितने क्राफ्ट्स रख सकती है इन्वेस्टमेंट देखा जाता है प्रॉफिट देखा जाता है कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फॉरन एक्सचेंज से कितनी अर्निंग कर सकते हैं बहुत सारी सिटीज़ हैं जिन्होंने ये हैंड स्कल्पटिंग स्टार्ट किया है थ्रू मार्केट मेकानिज़म जैसे है दिल्ली हट अब ये ये जो दिल्ली हट है ये क्या करता है ये क्राफ्ट्समैन को लेके आता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया से और उन्हें एक मार्केट प्रोवाइड करता है हम कह सकते हैं एक शॉप जैसा प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री India is one of the major producers of vehicles. Vehicles are exported to 40 countries from India. The automobile industry is called the sunrise sector in India. India's tractor industry is the biggest in the world. One third of the tractors manufactured worldwide are produced in India. Tractors manufactured in India are exported to Turkey, Malaysia, and several other countries in Africa. हमारी कंट्री में व्हीकल्स का मेजर प्रोडक्शन होता है व्हीकल्स में सारे तरह के व्हीकल्स आते हैं आप कार ले ले बाइक ले ले ट्रैक्टर ले ले ट्रक्स ले ले एवरीथिंग तो हम इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं हम जो व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं हम वो 40 कंट्रीज़ को देते हैं मतलब हम इसके एक्सपोर्टर हैं और हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसे सनराइज सेक्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि एक एक बहुत ही शाइनिंग सेक्टर है ये क्योंकि आप खुद सोचो हम 40 कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है व्हीकल्स का नेक्स्ट हमारी कंट्री में जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हम इफ पूरी दुनिया का देखें तो टू थर्ड ऑफ ट्रैक्टर जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री पे मैन्युफैक्चर करते हैं एंड दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं ट्रैक्टर्स जो हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं टर्की को मलेशिया को और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ को सीमेंट इंडस्ट्रीज़

इंफ्रास्ट्रक्चर रोज बनाए जा रहे हैं घर रोज़ बन रहे हैं एंड उनके लिए सीमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसी कारण से क्योंकि हम इतने इतने सारे प्रोजेक्ट्स हर दिन बना रहे हैं तो हमारे लिए सीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इसी कारण से सीमेंट इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली हमारे कंट्री में और Uh, हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है सीमेंट के पूरे वर्ल्ड में नाउ कमिंग टू लेदर इंडस्ट्री इट इज़ अ बिग इंडस्ट्री इन इंडिया इट इज़ प्राइमरिली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। जो लेदर इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की और ये प्राइमरिली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है एक्सपोर्ट मतलब कि अगेन हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं लेकिन uh, कहीं ना कहीं लेदर इंडस्ट्री थोड़ी सी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्क uh, नहीं कर पाती या नहीं कर सकती क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे जगह एनिमल्स uh, को मारना बैन है और लेदर इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से uh, काम करती है नाउ कमिंग टू सॉल्ट इंडस्ट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन इंडिया इज़ टू हंड्रेड लैक टनस द प्रोडक्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एज सिक्सटी लैख टन इंडिया पूरी दुनिया में सॉल्ट का टॉप प्रोड्यूसर है और हमारा साल भर का जो सॉल्ट प्रोडक्शन होता है कंट्री में वो है टू हंड्रेड लैक टनस और साथ ही साथ हम आयोडाइज सॉल्ट जो प्रोड्यूस करते हैं ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडिन है वो हम कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं सिक्सटी लाख टन्स नाउ कमिंग टू बाईसाइकिल इंडस्ट्री इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाईसाइकिल इन द वर्ल्ड बाईसाइकल्स आर मेड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड तमिलनाडु द मेन सेंटर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज लुधियाना इंडिया एक्सपोर्ट्स बाईसाइकिल टू कंट्रीज लाइक नाइजेरिया मैक्सिको केनिया युगांडा एंड ब्राज़ील हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड की लीडिंग प्रोड्यूसर है बाईसाइकिल की मतलब हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बाईसाइकल्स का और मेन uh, जो स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है बाईसाइकल्स का वो है पंजाब और तमिलनाडु नेक्स्ट मेन जो सेंटर है जहाँ पे बाईसाइकल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं हमारे कंट्री पे वो है लुधियाना और हमारे कंट्री में जो बाईसाइकल्स बनते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं टू नाइजेरिया मेक्सिको केन्या युगांडा एंड ब्राज़ील khadi and village industries the khadi and village industries commission was established to give impetus to industrialization in rural areas the main objectives behind the establishment of the corporation were to develop the traditional industries handicraft cottage industries and to encourage industries that use the material and human resources available at the local level and make the villages self-reliant by creating employment there हमारी कंट्री uh, में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन स्टैब्लिश किया गया था इस नाम पे ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं जो गांव के एरियाज हैं वहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके मतलब छोटे एरियाज में भी इंडस्ट्रीज़ सेटअप की जा सके भले ही वो छोटे लेवल पे होगी भले ही वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होगी लेकिन वहाँ पे सेटअप हो कम से कम और ये जो सेटअप uh, किया गया था कमीशन इससे सेटअप करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो जो रूरल एरियाज़ की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों हैंडीक्राफ्ट हमारी कंट्री में डेवलप हो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप हों और साथ ही साथ ये इनकरेज करना कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मटेरियल्स यूज़ करें ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करें जो लोकल लेवल में अवेलेबल है हमारी कंट्री में और साथ ही साथ जो गांव के एरियाज़ हैं उन्हें हर चीज़ के लिए शहर पर रिलाई करना पड़ता है उन्हें नौकरी चाहिए तो उन्हें शहर जाना पड़ता है उन्हें अपनी लाइवलीहुड चाहिए तो उन्हें शहर जाना पड़ता है तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए कि विलेज में ही इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगी तो लोगों को शहर नहीं जाना पड़ेगा विलेज खुद सेल्फ़ रिलायंट हो जाएगा और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो जाएगा एग्रीकल्चर इन इंडिया एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स मैनी एग्रीकल्चरल टास्क आर परफॉर्म यूजिंग बुलट्स सिमिलरली मशीन्स आर बीग यूज इन डिफरेंट टास्क लाइक प्लविंग सोइंग टू हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग एक्सेट्रा हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो पुराने ट्रेडिशनल मेथड से भी प्रैक्टिस किया जाता है और मॉडर्न तरीके से भी किया जाता है बहुत सारे एग्रीकल्चर के काम होते हैं खेती बाड़ी के काम होते हैं जिन्हें बुलक यूज करके किया जाता है नेक्स्ट बहुत सारी छोटी मोटी मशीन्स होती हैं जो खेती करते समय हेल्प में आती है जैसे प्लविंग में सोइंग टू हार्वेस्टिंग में थ्रेशिंग में द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया इज एग्रीकल्चर एंड अदर टास्क बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री आर प्रैक्टिस्ड इन विलेजेस सेवेंटी परसेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन जॉब्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन दिस इंडस्ट्री द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इज इक्वल टू दैट ऑफ मैन हमारी कंट्री में जो मेजर ऑक्यूपेशन है मेजर ऑक्यूपेशन मतलब मैक्सिमम लोग आज के टाइम में हम मैक्सिमम तो नहीं कह सकते बट ये बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो है एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड काम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो काम है मतलब एनिमल को रियर करना और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचना ये सारे जो काम हैं ये एक्चुअली गांव में किए जाते हैं और सेवेंटी परसेंट ऑफ हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर या उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी काम है उस पर अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है और ये जो एग्रीकल्चर uh, की इंडस्ट्री है यहाँ पे औरतों का भी इक्वल पार्टिसिपेशन है जितना आदमी यहाँ पे काम करते हैं उतनी औरतें भी काम करती हैं एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन डिफरेंट सीजनस इन इंडिया मेनी वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोथ जोवार, वीट, राइस पल्स एंड ऑयल सीड्स आर मेनली प्रोड्यूस एलोंग विद इट कॉटन एंड शुगर कैन आर प्रोसेस्ड टू मैनुफेक्चर क्लॉथ एंड शुगर रेस्पेक्टिवली हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर अलग अलग सीजन में किया जाता है बहुत सारे अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स है जो हमारी कंट्री में उगाए जाते हैं जैसे जुवार हो गया वीट राइस हो गया पल्स हो गया ऑयल सीड्स हो गया ये सारे हमारे सारे क्रॉप्स हमारे कंट्री में ग्रो किए जाते हैं साथ ही साथ कॉटन और शुगर केन जो है वो भी हमारी कंट्री में उगाया जाता है और फिर क्लॉथ की जो इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है शुगर प्रोड्यूस करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें ये एज अ रॉ मटेरियल दिया जाता है एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नावर डेज इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव कम अप एग्रीकल्चर फुलफिल्स मैं बेसिक नीड्स इन ऑर्डर टू गिव इनक्रेज फार्मिंग लोन्स आर गिवन टू फार्मर्स टू रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड होता है आज के समय में आ, ऐसी इंडस्ट्रीज भी आ गई हैं जो एज अ रॉ मटेरियल फ़्रूट्स लेती हैं वेजिटेबल्स लेती हैं एंड फिर उससे जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर की हेल्प से ही जो बेसिक नीड्स है आदमी के वो पूरे होते हैं क्योंकि आप देख लो कि जो एग्रीकल्चर कर कर रहे हैं उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है जो लोग उस प्रोड्यूस uh, होने के बाद उस क्रॉप्स को खरीद रहे हैं या हम कह सकते हैं फ्रूट्स खरीद रहे हैं वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं उनकी भी बेसिक नीड कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही पूरी हो रही है और हमारे कंट्री में फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो इसीलिए फार्मर्स को लोन भी देने लगी है रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस स्टडी विजिट्स एग्रीकल्चरल आउटडोर ट्रिप्स एंड फार्मर्स गेट टुगेदर आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द पंचायत समितिज टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है जो फार्मर्स हैं फार्मर्स को रोज़ वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या परेशानियां हैं क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है तो इसीलिए जो पंचायत समिति रहते हैं गांव के वो लोग कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं जैसे फार्मर्स का साथ में बैठना डिस्कशन करना और ये जो फार्मर्स हैं इन्हें अलग अलग ट्रिप्स पे लेकर जाना और इन इन्हें बाकी टेक्नोलॉजीज दिखाना साथ ही साथ लोगों का गांव में आना और आ, ये देखना कि, कि वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है क्या हो रहा है क्या प्रॉब्लम है मतलब स्टडी के लिए विजिट करना टूल्स एंड इम्प्लीमेंट सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो सप्लाइड द फार्मर्स आर गिवन ट्रेनिंग रिगार्डिंग सॉइल टेस्टिंग नर्सरी ऑफ फ्रूट प्लांट्स किसी कल्चर पोल्ट्री कैटल एंड गोट रियरिंग डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा गाइडेंस इज गिवन टू फार्मर्स बाय अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल हेल्प इज गिवन टू बिल्ड वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग द फार्म प्रोड्यूस नेक्स्ट क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें टूल्स और इम्प्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं सीड्स फर्टिलाइजर्स भी दिए जाते हैं जो उन्हें ज़रूरत है फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि सॉइल को कैसे टेस्ट किया जाता है कि वो फर्टाइल है कि नहीं अब जिस भी फार्मर को जो भी काम करनी है किसी को फ्रूट प्लांट्स की फार्मिंग करनी है किसी को फिशेस की करनी है किसी को पोल्ट्री करनी, कि, करनी है किसी को कैटल और गोट रख के उसकी रियरिंग करनी है किसी को डेयरी फार्मिंग करनी है तो ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है और ये जो गाइडेंस मिलती है फार्मर को ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है उससे मिलती है साथ ही फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है मतलब पैसे भी दिए जाते हैं ताकि ये लोग कहीं ना कहीं वेयर हाउसिंग कर सके वेयर हाउसिंग मतलब होता है कि जब तक वो चीज़ बिकती नहीं है तो उसे सही तरीके से सेफली अपने पास रख सकें क्योंकि जिस जैसे वेजिटेबल्स हो गए फ्रूट्स हो गए बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं इन्हें कोल्ड स्टोरेज वगैरह चाहिए होता है दैट थिंग्स India is rapidly becoming independent in food grain production and farming techniques. Modern techniques like drip irrigation, organic farming are, are used for farming. हमारी कंट्री धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रही है फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे मतलब अब हमें बाहर से कोई भी फूड ग्रेन मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे कंट्री में सारे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होने लगे हैं और साथ ही साथ हमारी जो फार्मिंग टेक्निक्स है वो भी बहुत अच्छी हो गई है हम आज की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो फार्मिंग के समय यूज़ करने लगे हैं जैसे ड्रिप इरीगेशन और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं होने लगी है पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फोर्थ फाइव ईयर प्लान फोकस वॉज प्लेसड ऑन पेपर इंडस्ट्री फार्मेस्योटिकल इंडस्ट्री मोटर ट्रैक्टर इंडस्ट्री लेदर गुड्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑयल कलर शुगर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा तो हमारा जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान आया था उसमें ये फोकस था कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है इनके प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए काम करना पेपर इंडस्ट्री के फार्मेस्योटिकल के मोटर ट्रैक्टर के लेदर गुड्स के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के फूड प्रोसेसिंग ऑयल कलर शुगर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1970, सेवेंटी ऑल दोज फैक्ट्रीज रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन फाइव करोड़ रुपीज बी इंक्लूडेड एज हेवी इंडस्ट्रीज अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी 1970 की उसमें ये प्रोविज़न आया था कि वो फैक्ट्रीज़ जिन्हें पाँच करोड़ या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए उन्हें हैवी इंडस्ट्रीज़ में इंक्लूड किया जाएगा the big industrial houses and foreign companies were allowed to invest in heavy industries that were not reserved for the public sector as a result of this policy by the end of 1972 318000 small industries were registered with the government registration office next uh, जित जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे और फॉरेन की भी कंपनीज थी जो हमारी हेवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज जिसे गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि वो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हैं जैसे रेलवे तो रेलवे में ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व नहीं हैं वो इंडस्ट्रीज़ को इन लोगों को मिलने लगी फॉरेन कंपनीज़ को और नेक्स्ट uh, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उन्हें इस कारण से 1972 के एंड तक थ्री लैख एटीन थाउजेंड छोटी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो हो चुकी थी जो स्टार्ट होने वाली थी या चल रही थी मिनरल वेल्थ दिलिटी ऑफ द मिनरल्स आयरन एंड कोल्स कोल प्लेज अ मेजर रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वी हैव एडिक्वेट स्टोर ऑफ आयरन मैगनीस कोल एंड मिनरल ऑयल्स इन आर कंट्री हमारी कंट्री में मिनरल आयरन कोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं और इसीलिए ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे पास प्रॉपर स्टोरस हैं जहाँ से हमें आयरन मैगनीस कोल मिनरल ऑयल ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं हमारी कंट्री में फॉरेस्ट रिसोर्सेज Government has reserved some forest for the industries based on forest. The task of conservation of the forest is done by central government, the state government and by the local people. Forests are necessary for the raw materials for industries like construction, paper, newsprint, silk, matchboxes, medicinal herbs, honey, liquor and raw materials needed for paint. बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल कामों के लिए रिज़र्व करके रखा है अब उनके अलावा जो फ़ॉरेस्ट है उन्हें कंजर्व करके बचा के रखने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का और वहाँ के लोकल लोगों का फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ अ रॉ मटेरियल फ़ॉर इंडस्ट्रीज़ जैसे कंस्ट्रक्शन में काम आता है वुड पेपर न्यूज प्रिंट सिल्क मैच बॉक्सेस मेडिसिनल हर्ब्स हनी लिक्वर और ऐसे भी फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जो पेंट बनाने में काम आते हैं फिशरीज फिशरीज इंक्लूड सी वाटर फिश एंड फ्रेश वाटर फिश फाउंड रिवर कैनल्स पॉन्स एंड लेक्स हार्बर्स हैव बीन बिल्ट और ओल्ड हार्बर्स हैव बीन रीडेवलप्ड फिश सीड्स इनक्यूबेशन सेंटर्स एंड फ़िशिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ़ दिस इंडस्ट्री फ़िश एक मेजर फूड है जो हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन खाती है और uh, फिशरीज़ में आता है सी वाटर फिश और फ्रेश वाटर फिश जो रिवर कैनल्स पॉन्ट्स या लेक्स में मिलते हैं नेक्स्ट हार्बर्स क्रिएट किए गए हैं या पुराने जो हार्बर्स हैं उन्हें फिर से रीडेवलप किया गया है नेक्स्ट फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स और फिशिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे कंट्री में प्रोवाइड किए गए हैं ताकि uh, जो भी इस इंडस्ट्री में है वो उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके और ये जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करे हमारी कंट्री में टूरिज्म इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज देयर आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स पिलग्रमेज सेंटर्स

और आ, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के वर्शिप के प्लेसेस हैं या पिलग्रमेज सेंटर्स हैं कहीं पर रिवर है फोर्ट है केव्स है ये सारे हमारे कंट्री के आ, ऐसे प्लेसेस हैं जो जो टूरिज्म प्रमोट करते हैं मतलब यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और साथ ही साथ अलग अलग कंट्री से हमारे देश में टूरिस्ट आते हैं और हमारे देश के भी लोग आ, आ, बहुत सारे अलग अलग इंडिया के प्लेसेस जाते हैं पूरे साल भर और ये जो फैसिलिटीज़ होती है टूरिस्ट की वो क्या होती है कि वो वहाँ रुक सके घूम सके एंजॉय कर सके मतलब एक अच्छा उनको आ, स्पेस दिया जाए और ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टूरिज़म डेवलपमेंट कारपोरेशन साथ ही साथ ये होटल्स भी प्रोवाइड करती है टूरिस्ट के लिए इन सम प्लेसेस देर आर गाइड्स हु गिव इंफॉर्मेशन टू टूरिस्ट अबाउट दैट एरिया टाइम्स व्हेन व्हीकल्स डोंट रीच द डेस्टिनेशन सम रिमोट एंड डिफिकल्ट टू ईच टूरिस्ट प्लेस द लोकल पीपल हेल्प द टूरिस्ट एंड रिटर्न फॉर द फी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड आउट ऑफ दीज नीड्स नेक्स्ट क्या होता है टूरिस्ट रहते हैं वो हमें जगह घुमाते हैं उसके बारे में बताते हैं नेक्स्ट हम कोई छोटी मोटी एरिया में कोई गांव जैसे एरिया में जा रहे हैं हमें नहीं पता है कहाँ जाना है कहाँ पहुँचना है तो लोग हेल्प करते हैं पैसे के बदले तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है और साथ ही साथ वहाँ जो शॉप्स होते हैं जितने भी टूरिस्ट प्लेस में दुकानें होती हैं अलग अलग चीज़ों की वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करती हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड when planning started in 1951 the import of industrial goods and raw materials required for production increased india's import includes machines iron minerals oils fertilizers medicines etc जब हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था 1951 में तो इंडस्ट्रियल गुड्स और रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट जो था बाहर से आना वो इंक्रीज हो गया था ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं मशीन्स आयरन्स मिनरल ऑयल फर्टिलाइजर्स मेडिसन्स एसेट्रा इंडिया आल्सो गेव इम्पैटर्स टू एक्सपोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू गेन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्लूड टी कॉफ़ी स्पाइसिस कॉटन टेक्सटाइल लेदर फुटवेयर पर्ल्स प्रीशियस स्टोन्स एसेट्रा साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा इम्पोटेंस देते हैं इंडिपेंडेंस के बाद से हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ सके हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं टी कॉफी स्पाइसेस कॉटन टेक्सटाइल लेदर फुटवेयर पर्ल्स टीच स्टोन्स एक्सेट्रा इंटरनल ट्रेड इंडिया इंटरनल ट्रेड टेक्स प्लेस वाया रेलवे वाटरवेज रोड्स एयरवेज एक्सेट्रा पोर्ट्स लाइक मुंबई कोलकाता कोचन एंड चेन्नई आर इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ लाइक कोल, कॉटन कॉटन टेक्सटाइल राइस वीट रॉ जूट आयरन स्टील ऑयल सीड्स सॉल्ट शुगर एसेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंटरनल ट्रेड इंडिया का जो इंटरनल ट्रेड है इंटरनल ट्रेड मतलब कंट्री के अंदर ही जो ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है थ्रू रेलवे वाटरवे, रोड्स एयरवेज एसेट्रा अलग अलग पोर्ट्स जैसे मुंबई कोलकाता कोचिन चेन्नई ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरनल ट्रेड में जो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है वो है कोल कॉटन कॉटन टेक्सटाइल राइस स्वीट रॉ जूट आयरन स्टील ऑयल सीड्स सॉल्ट शुगर एसेट्रा ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द कंट्री इम्प्रूव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकम अवेलेबल ऑन द होल इट हेल्प्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शेल सी हाउ द लाइफ ऑफ इंडियंस हैज़ बिन चेंजिंग हमारी कंट्री में इतनी सारी इंडस्ट्रीज आगे आई और धीरे धीरे डेवलप हुई इसके कारण क्या हुआ कि हमारे आ, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो चेंज हुआ ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लगी फॉर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी हमारी बढ़ने लगी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया कंट्री में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हो गई बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी बहुत अच्छे से काम करने लगा और सारी इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और हम ग्लोबली ट्रेडिंग अप करने लगे हैं मतलब अब दूसरी बाहर के जो कंट्रीज हैं उन्हें हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हम इतना ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं तो इसने ऑल ओवर हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने में बहुत हेल्प की है साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ऑल ओवर हमारी कंट्री का प्रोग्रेस हो रहा है हम धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ uh, से ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगे बाकी कंट्रीज़ आई मीन हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं एंड जो टॉप मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का नाम आने लगा है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण नेक्स्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इंडियंस के लाइफ कैसे चेंज होती गई तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमेशा और कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग